वो क्या होता था ना कि कॉन्सर्ट, जब भी किसी कॉन्सर्ट अभी किसी कॉन्सर्ट में आ रहे हैं, वो आकर के जब देखे कॉन्सर्ट चल रहा है तो चुपचाप आकर के किसी कोने में बैठ जाएंगे। वो जब थोड़ा सा एक राग वाग हो गया, फिर बाद में उनको ऑर्गेनाइजर देखा, अरे अरे उस्ताद अल्लाह रखा बैठे हैं, तो उनको उठा करके आगे ला करके बिठाते थे। तो इस किस्म के थे हमारे फादर। ही वॉज वेरी हम्बल, ही हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। आई मीन आई यू नो आई एट्रीब्यूट एवरी ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स टू हिम, क्योंकि वो इतने ही हम्बल थे जितने अभी जाकिर भाई आप देखे ना हम्बल है वो। इमेजिन माई फादर इवन मोर दैट वे। और उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था। ये सारी चीजें जो है ना, वो हमें जैसे विरासत में मिलती है ना, ऐसे ही हुआ है, विरासत में मिली है। हम उनको, हमारे फादर को देखा करते थे कि किस तरह से वो दूसरों से मिलते हैं। किसे हमारे उस जमाने में जब हमारे फादर जैसे कहते हैं ना कि नाम हो रहा था, तो ये घरानों का बड़ा चक्कर था कि भाई ये इस घराने हाँ से, ये उस घराने से, ये। मगर ये चीज मैंने हमारे फादर में बिल्कुल ही नहीं देखी, क्योंकि वो त्रिखवा खान साहब का उतना ही आदर करते थे कि जितना अपने गुरु का करते हैं। वो अपने त्रिखवा खान साहब को ऑलमोस्ट अपने फादर की तरह मानते थे। हमारे घर पे आके रुकते थे त्रिखवा खान साहब दिनों दिन। और वो कहते भी थे कि भाई अरे जाकिर को कुछ सिखाइए, लड़का अच्छा बजा रहा है। तो अभी ये क्या जरूरत है उनको ये सब बोलने की? पर वो उनको इतना प्यार, तो वो क्या है कि कलाकार को देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि भाई ये किस घराने से। वो ये देख रहे हैं कि भाई ये अच्छा बजाता है, भाई ये तो कमाल के बजाते हैं, चाहे कोई भी घराना हो, मगर आदमी कलाकार कैसा है उनके लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण था कि ये देखने के भाई ये। तो ये चीजें जो है ना, वो हमारे में भी आ गई है, जाकिर भाई में भी है। जाकिर भाई स्टेज पे बैठ के सोलो बजा रहे हैं, तो दिल्ली घराने का कायदा बजा रहे हैं, तो लखनऊ घराने का बजा रहे हैं, बनारस का बजा रहे हैं। ये सारी चीजें जो है ना, वो अब्बा जी को देख देख करके ही आई। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने नहीं कही, मगर वो आप उनको देख करके समझ सकते हैं कि अहंकार, अहंकार से दूर रहना, वो उनका उनकी उनके स्वभाव को, उनके ढील ढोल को देख करके आप समझ जाते थे कि भाई ये बिल्कुल, इसमें अहंकार नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। और वो इतनी जरूरी होती है हमारे संगीत में कि भाई ये, और उनको बोलने की जरूरत नहीं, वो तो पता चल रहा है, उनको देख करके हम समझ गए कि भाई, इसलिए जाकिर भाई में भी वही बात है, बिल्कुल हम्बल, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। और मतलब जितने भी बड़े कलाकार आप देखिए, एक बार मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि भीमसेन जी हम लोग बजा रहे थे, मैं कहीं पर किसी के घर में कॉन्सर्ट कर रहा था, अचानक कोई एक आए एक और आकर के दरवाजे के पास ही बैठ गए, क्योंकि जगह ही नहीं थी, दरवाजे के पास बैठ गए और वाह 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 करके सुनाई, वहां से सुनाई दे रहा है हमें। बजाने के बाद जब हमने खत्म किया लाइट, जब उन घर में गई तो देखा तो भीमसेन जी वहां कोने में बैठे। अब ये कलाकार की देखिए कितने बड़े कलाकार हैं। अब वो चाहे तो आगे आकर के बैठ सकते हैं, मगर नहीं, उन्होंने ये सोचा कि बच्चे बजा रहे हैं और उनको अच्छा भी लग रहा, तो वहां से वाह वाह आ रही है उधर से। तो ये चीजें जो है ना, बड़े बड़े कलाकारों में आपको फूट फूट कर मिलेगी ये सारी, क्योंकि वो हम्बलनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अहंकार तो उसको तो आपको तो फेंक देना पड़ेगा, दूर रखना पड़ेगा। और ही ऑलवेज यूज टू से कि भाई बी ट्रू टू योर प्रोफेशन। बोले जो भी कुछ करोगे ईमानदारी से करो, रियाज कर रहे हो ईमानदारी से करो, स्टेज पर जाके बजा रहे हो ईमानदारी से बजाओ, उसमें कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। उनका ये एक एक बड़ा मतलब उनका था कि भाई, और उनका एक बहुत फेमस था कि भाई तबला जो है वो मेरी जिंदगी है, तबले से मैंने प्यार किया है और तबले ने मुझसे प्यार किया। ये उनका एक जो था स्टेटमेंट जो है वो अभी तक मेरे दिमाग में घुसता है कि भाई जो भी चीज करो उससे प्यार करो, और जो भी चीज करो ईमानदारी से करो, और अहंकार को दूर रखो। ये जो तीन चीजें जो है ना, वो मैं अपने स्टूडेंट्स में डालता हूँ कि भाई देखिए, हम अभी बिकॉज आई एम इन चार्ज ऑफ उस्ताद अल्लाह रखा इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक, मैं वहां पे सिखाता हूँ। तो मैं ये तीन चीजें उनको बोलता हूँ कि भाई आए तो हो सीखने के लिए, मगर ये सबसे पहले ये तीन चीज सीखो, फिर उसके बाद मैं तबला बजाना सिखाऊंगा आपको। तो ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्री थिंग्स दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माय फादर। नहीं, एक्चुअली क्या है कि मेरा बचपन जैसे गुजरा है, वैसे आम जैसे बच्चों का होता है वैसे गुजरा है। जी हमारे फादर जो थे जो वो उनको ये उन्होंने ये हमें कभी महसूस करने नहीं दिया, या मैं, मेरा छोटा भाई और मैं, कि हम लोगों को तबला बजाना है। वो बस वो कहते थे कि जो करना है वो करो, तुम लोग अपने हिसाब से अगर तुम्हें इस इंटरेस्ट आएगा तो। तो मैं उस वक्त इतना कहते थे खेल कूद में इतना मसरूफ था कि वह क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा शौक ये चीजों का बड़ा, मतलब पढ़ाई भी चल रही थी, स्कूल भी जा रहे हैं ये वगैरह,
और कॉन्सर्ट भी जाकर के मैं देखता था। मैं मुझे तो याद है 60s में, लेट 60s, अराउंड 66 67 ऐसे कुछ, अब्बा जी हमारे फादर, उनको हम सब अब्बा जी बोलते हैं, रवि जी और अब्बा जी का कॉन्सर्ट हो रहा है यहाँ पर षण्मुखानंद हॉल मुंबई में। और वो एक एक जमाने में वो ही एक हॉल था कि जिसमें करीब 2500 कैपेसिटी अभी भी है वो ऑडिटोरियम। मगर रवि जी एक ऐसे कलाकार थे कि जिनको देखने के लिए लोग आते थे और उनके नाम से ही हॉल भर भर जाता था। और द ऑडियंस यूज टू बी कंसिस्टिंग ऑफ गवर्नर्स और मिनिस्टर्स और एक्टर्स वगैरह वगैरह, सारे सारे के इस किस्म के वैरायटी वाले लोग होते थे। तो उसमें मैं जाया करता था हमारे फादर के साथ, सब जैसे जैसे जाते, और मैं स्टेज पे बैठा हूँ, मतलब उनके फादर और हमारे रवि जी के बीच में बिठा दिया गया है और मैं बैठ करके प्रोग्राम सुन रहा हूँ। तो एक वाक्य ऐसा हुआ कि जब मैं सुन रहा था तो रवि जी ने देखा मेरी तरफ और देखा, अरे ये तो लड़का बहुत अच्छी तरह से सुन रहा है। तो अच्छा, वो उस जमाने में ये होता था कि रवि जी अलाउ नहीं करते थे फोटो लेना, जब आप प्रोग्राम बजा रहे हैं तो उनको पसंद नहीं था कि वो फोटो ले, कोई फ्लैश ले, ये वो उनका डिस्टर्ब होता था। तो उन्होंने एक फोटोग्राफर को इशारा किया कि भाई ये इसका फोटो लो बच्चे का। वो फोटोग्राफर खुद खुद हैरान था कि भाई मुझे रवि जी बोल रहे हैं फोटो लेने के लिए। तो तो वो फोटो लिया, मैं बड़े गौर से उनका आलाप सुन रहा था, मेरे और हमारे अब फादर का भी वो फोटो में, हमारे फादर भी उनका पैर नजर आ रहा है। और वो फोटो लेकर के बड़ी अच्छी तरह से उसका फ्रेम करके और लिख करके भेजा मुझे, एज अ गिफ्ट। तो आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, दैट आई गॉट टू हियर सच पीपल राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन आई वाज लाइक 6 7 7 इयर्स ओल्ड और समथिंग। और वो मेमोरी मेरे दिमाग में ऐसी एच्ड हो गई है कि वो कभी जा ही नहीं सकती, क्योंकि वो दिस इज वन ऑफ दोज यूनिक थिंग दैट हैज हैपेंड कि स्टेज पर मैं बैठा हूँ, रवि जी बजा रहे हैं, हमारे फादर बजा रहे हैं, और मेरा फोटो लिया गया, क्योंकि मैं वो इतने गौर से सुन रहा हूँ कि उनको ऐसा लगा कि भाई ये बच्चे का फोटो लेना ही पड़ेगा। बचपन ऐसा गुजरा कि म्यूजिक भी चल रहा था, मगर एक जैसे आम बच्चा होता है बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, क्रिकेट वगैरह ये सब चल रहा था। ये मतलब इस तरह से बचपन गुजरा। और मुझे याद है हम लोग आ, 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 टेबल हमारे घर में वो डाइनिंग टेबल होता था, तो जाकिर भाई भी आ गए। अरे बोले चलो यार क्या करना है, अभी खाना खाना तो बन रहा है, लेट्स लेट्स प्ले टेबल टेनिस। और टेबल टेनिस खेल रहे हैं हम लोग डाइनिंग टेबल पर और ऐसा ऐसा मतलब जैसे नॉर्मल जैसे होता है, और खेल कूद के मामले में वगैरह वगैरह इस तरह से। मगर देन लेटर ऑन लाइक आई बिकेम अराउंड मे बी 13 और समथिंग, विच इज वेरी लेट फॉर, देखा जाए कि अगर घर में आपके म्यूजिक है और आप इतनी उम्र में, बचपन से 6 7 की साल की उम्र में लोग शुरू हो जाते हैं, पर मैं थोड़ा सा लेट शुरू किया अराउंड 13 14। और हमारे ये वाकया भी आप सुनने लायक है, अगर आपने एक सवाल किया उसका इतना बड़ा जवाब दे रहा हूं मैं। ये एक हमारे स्टूडेंट, फादर के स्टूडेंट अमेरिका से आया हुआ था, वो था 16 साल की उम्र का और मैं था करीब 13 14 साल का, और हमारे में इतना ज्यादा फर्क नहीं था। और वो आकर के घर में हमारे फादर से सीखता था, तो घर में रह रहा था वो, और वो रियाज करता था सारा दिन। मैं उसको देखता रहता था कि यार ये एक लड़का इतनी दूर से आया है, 16 साल का, इतना रियाज कर रहा है। अच्छा वो बजाते रहता था, तो मैं कभी कभी क्या करता था कि तबला लेकर के उसके साथ बैठ जाता था, हालांकि मैंने कुछ सीखा नहीं था। तो एक बार ऐसा बहुत बार हुआ है कि वो बजा रहा है कोई चीज और मैं तबला स्कूल से आया और बैग अपना रखा और तबला लिया और उसके साथ बजाना शुरू कर दिया। वो जो चीज बजा रहा है उससे मैं वही चीज थोड़े से तेज बजाता था, तो वो उससे थोड़ा सा अजीब लगता था, ये मैं सारा दिन बैठ करके बजा रहा हूँ और ये अभी स्कूल से आया है और वही चीज वही बजा रहा है मेरे से तेज। तो ये सारी चीजें हमारे फादर ने ऑब्जर्व की एक बार, कि देखा कि भाई ये इसको थोड़ा सा शौक हो रहा है क्योंकि ये लड़का बजा रहा है, इसके साथ बैठ के बजा रहा है, तो उसको शौक हुआ, तो मैं फिर उसको सिखाता हूँ। तो मेरी तालीम इस तरह से शुरू हुई कि जब उन्होंने देखा कि मैं बजाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे में थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया है तबला बजाने की, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है मैं अभी इसको सिखाता हूँ। तो इस तरह से मेरा बचपन गुजरा और इसी तरह से मैंने अपना तबला भी शुरू। नहीं एक्चुअली क्या था ना कि उस वक्त जब मैं, जैसे मैं 6 7 साल का उम्र, और मेरे और जाकिर भाई के बीच में करीब 10 साल का फर्क है, सो जी बेसिकली जाकिर भाई वॉज द मेन फोकस एट दैट मोमेंट ऑफ हाँ टाइम, क्योंकि वो बजा भी रहे थे काफी, उनका नाम भी था उस वक्त। और हमारे यहाँ में जैसे कि अभी त्रिकवा खान साहब आ गए,
कोई तबला प्लेयर आ गए, किसी को खान साहब, रवि जी आ गए, ये सारे लोग जो थे आम आते थे अब्बा जी से मिलने के लिए, और हम लोग चुपचाप कोने में मैं बैठा रहता था, मैं और मेरा छोटा भाई, जो हमारे हम लोग का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था उस वक्त। और ये जो चीजें जो आप कह रहे हैं वो जाकिर भाई के साथ हुआ करती थी। अरे अरे जाकिर भाई, जाकिर जरा थोड़ा बजा ले, ये बजा ले, ये यार यार ये लड़का तुम्हारा इतना अच्छा बजा रहा है, इसको बोलो जरा ये, जरा ये रेला बजा के सुना। तो वो उस वक्त जाकिर भाई के साथ तो हम बचे रहते थे, हमें ये, मगर मैं ये इन सारे कलाकारों को देखता था, मगर उस वक्त मेरी समझ नहीं थी कि इतने बड़े बड़े कलाकार हमारे घर आते थे और हमारे फादर से मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है और खाना पीना हो रहा है, और यू नो जैसे होता है किसी के कलाकार के घर में ये सब हो रहा था, तो हमारे लिए ये नई चीज थी। बट जस्ट थोड़ा सा बड़े हुए तो दूसरे कलाकार जब आने लगे तो फिर मैंने देखा, अरे इनको तो मैं जानता हूँ, इनको तो मैंने देखा है, ये तो ये है, ये तो वो है। तो उसके बाद फिर ये सब सिलसिला जैसे आप बता रहे हैं कि शुरू हुआ, फिर मैं बजाने लगा, तब फिर वो बोलते थे, पूछते थे कि भाई लड़का कैसे बजा रहा है, तो आपका ये क्या कुछ हो रहा है, अच्छा ले तबला लेके थोड़ा सा बजा ले जरा इन लोगों के सामने। तो वो उस वक्त ऐसा होता था। तो जब मैं 60s, लेट 60s की बात कर रहा हूँ, उसमें जाकिर भाई का फोकस, जाकिर भाई के ऊपर फोकस हुआ करता था, क्योंकि उनसे पूछा जाता था कि भाई ये बजा रहे हैं कि। तो वो जो आप कह रहे हैं वो सही था, मगर वो थोड़ा सा लेट लेट जा, क्योंकि हमने लेट शुरू किया तो थोड़ा सा लेट हुआ। मगर एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे फादर के ऊपर फिल्म बन रही थी, फिल्म डिविजन की, उस्ताद अल्लाह रखा है, वो बनाते थे ना, उस रवि जी के लिए भी बनाया, वो इनके लिए सबके, तो अब्बा जी के लिए भी उन्होंने बनाया था। अब ये हुआ कि वो मेरे ख्याल से उस वक्त 69-70 की बात है, जाकिर भाई उस वक्त अमेरिका चले गए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई, वो जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि भाई आपके घर आने से कोई किसी ना किसी को तो बजाना पड़ेगा, आप बजा रहे हैं वो बात दूसरी है, मगर कोई लड़का या कोई, बोले मेरा लड़का तो चला गया अमेरिका अभी है, तो हम दोनों थे छोटे छोटे, तो वो डायरेक्टर कह रहे हैं कि भाई ये दो लड़के हैं ना, आप इनको कहिए बजाने के लिए। तो हमारी मदर थी उस वक्त, हमारे फादर भी टूर कर रहे थे, उन्होंने कहा भाई ये बच्चे तो बजाते नहीं, उन्होंने कभी तबले को हाथ नहीं लगाया, ये लोग यू नो अभी अभी पढ़ाई कर रहे हैं वगैरह, बोले। तो हमारे फादर के सीनियर मोस्ट स्टूडेंट विनायक इंगले साहब थे वहां पर, तो उन्होंने कहा अरे मैं इनको कुछ बता देता हूँ, वो बता करके ये फिर बजाएंगे जो मैं इनको बताऊंगा। तो अब्बा जी से पूछा गया फोन पर, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, वो इंगले बता देगा, विनायक विनायक बता देगा, वो थोड़ा बजा लेंगे, क्या इसमें। तो हम दोनों के दोनों थोड़ा बहुत सीख लिया क्या बजाना है, ये करना है वो करके, थोड़ा बजा करके, अब वो रिकॉर्डिंग ऐसी हो गई है कि वो आर्काइव्स में पड़ी हुई है, और मुझे वो जब भी देखता हूं तो थोड़ी सी शर्म आती है, मैंने ये क्या बजा रहा हूं मैं। मगर ये एक तरह का एक्सपीरियंस हो गया था हमारे लिए कि मैं पहली बार तबले को हाथ लगाया हूं, और वो भी हाथ रख रहा कौन है, वो हमारे फादर के सबसे बेस्ट और सबसे सीनियर मोस्ट स्टूडेंट विनायक इंगले साहब, हमारे फादर थे ही नहीं वहां पे हमारा हाथ तबले पर रखने के लिए। तो ये देखिए, एक ये भी एक इत्तेफाक की बात है कि ऐसा भी हो सकता है कि जिनके फादर इतने बड़े हैं मगर हाथ किसी और ने रखवाया तो ये हुआ, और वो अभी अभी आप अगर हमारे फादर की देखेंगे यूट्यूब में, वो फिल्म डिविजन का है, उसमें दो छोटे बच्चे बजा रहे हैं, उसमें से मैं हूँ एक, और एक मेरा छोटा भाई तौफिक।